हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो सिविल का सपोर्ट। दोस्तों, अगर आप ये कॉलम और बीम बना रहे हैं तो बहुत ही, अगर अभी चार सरिया की अगर आप कॉलम बीम बना रहे हो तो दोस्तों आप इसमें रिंग का काफ़ विशेष ध्यान रखना आपको, कि रिंग आपको ज़्यादा दूरी पे नहीं बांधना है। रिंग बांधना है आपको सिर्फ 7 या 7 इंच से ज़्यादा का नहीं बांधना है। दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि जो मतलब कि बहुत कम लो ग्रेड वाले जो मकान बन रहे हैं वो चार सरिया वाले बनाते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं 8 इंच 9 इंच पे वो रिंगे बांध देते हैं। दोस्तों, ये गलत है। अगर आप पहले से ही अगर चार सरिया ले रहे हो और उसमें रिंग भी अगर आप बहुत दूर दूर लोगे तो दोस्तों बहुत ही लो कैटेगरी का जो मकान हो जाएगा, ज़्यादा दिन आपका मकान चलने वाला नहीं है। तो इसलिए अब अगर आप चार सरिया लगा रहे हो कोई बात नहीं, बट उसमें रिंगों की जो थिकनेस रहेगी, डिस्टेंस रहेगी, वो रहेगी आपकी 7 इंच। 7 इंच से ज़्यादा ना करें इसको, जो कि 7 इंच से अगर ज़्यादा आपने इसकी कॉलम की अगर रिंग या कॉलम या बीम की रिंग अगर बनाई है तो फिर ये इसमें बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए आपको वो जो रिंगों की जो एंगल है दोस्तों, आपको वी साइज में करना है, ना कि एल साइज में। रिंग की जो एंगल रहती है, जो कोने रहते हैं उसके दोनों साइड के एक ही जगह जो कोने रहते हैं, उसको आपको करना है वी साइज में। मतलब कि दोनों जो मतलब के वो ज़्यादा मुड़े हुए रहने चाहिए, वी साइज में आपको कोने कर देने हैं। और जो रिंग है वो एल साइज में नहीं बनाना चाहिए आपको, एल साइज का जो कोने हैं वो नहीं रहना चाहिए, कटे हुए कोने आपके वी साइज में रहना चाहिए। और रिंग आपको 7 इंच पे ही बांधना है। रिंग की जो थिकनेस रहेगी दोस्तों आप इसकी रहेगी आपकी कम से कम 9 बाई 6 की, क्योंकि 1 फिट का ये हमारा जो बीम है यहाँ पे देख सकते हो। और पहले से मकान बना हो, और अगर पहले से मकान बना हो तो इसमें देख सकते हो सरे के ऊपर जो यहाँ पे चार सरे पहले से निकले हुए हैं, बट यहाँ पे जो भाई साहब है अच्छा काम कर रहे हैं ये, कि ये मतलब कि ये और ढील से इसमें सरिया लगा रहे हैं, क्योंकि कॉलम यहाँ पे हो नहीं रहा है। कॉलम पहले से ऑलरेडी इनका बना हुआ है एक कॉलम, और ये आप कॉलम में ज्वाइंट कर रहे हैं, तो ज्वाइंट करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि आपको पहले और एक्स्ट्रा सरिया लगाना है इसके अंदर, कि जो उसमें आपकी जो पकड़ है वो सही से हो जाए, जान आ जाए उसके अंदर, कि जो मतलब कि ये जो क्रेक ना मारे आपको। अगर आपने ऐसे ही भर दिया 3-4 सरिया उसमें पहले से निकले हुए, और आपने पहले से भर दिया उसको ऐसे ही, तो दीवार आपकी क्रेक हो सकती है। मकान एक बार में क्रेक आने के बाद फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, आप कितने भी उसमें दरारें बुरा लो तो मकान की जो क्रेक है फिर वो बाद में नहीं हो सकती। और इसमें स्लेप में आपको विशेष ध्यान देना होता है दोस्तों, कि स्लेप में अच्छे सरिया, और यहाँ पर आप इसमें 10 mm के सरिया यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपका जो बीम आ रहा है वहाँ पर देख सकते हो बीम की ढलाई हो चुकी। अब यहाँ पे इन्होंने अच्छे से काम किया है कि मतलब दोनों साइड में इसमें ड्रिल से छेद करके ने और सरिये एक्स्ट्रा लगाए हैं, और फिर ये बीम की जो ढलाई है वो कर दी गई है। दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना, अगर पहले से अगर आपका मकान पहले से बना उसके साइड में अगर आप पायल नहीं लेना चाहते, डोबरा नहीं खोदना चाहते हैं, तो फिर उस बीम को या तो फिर हल्का सा फुड़वा लीजिए और उसमें सरिया निकाल लीजिए, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो उसमें ड्रिल मशीन से 4-5 सरिये और एक्स्ट्रा लगा दीजिए। इससे होता क्या है कि आपकी जो बीम की पकड़ है अच्छी हो जाती है। अगर आपने ऐसे ही डाल दिया तो वहां से भी दीवार को क्रेक होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।